बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा स्पर्म फॉर्मेशन। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके कोई भी क्लासेस मिस ना हो पाए। तो स्पर्म फॉर्मेशन मेल में होता कैसे है, कौन कौन सी सेल्स इसमें हेल्प करेंगी, किस तरीके से इसका मैच्योरेशन होगा, कितने दिनों तक ये जिंदा रह सकता है, या फिर फीमेल की बॉडी में आफ्टर द इजैकुलेशन जब स्पर्म जाएगा कितने स्पर्म जाएंगे और लेकिन फर्टिलाइज है जो एक ही कर पाएगा, तो सभी सारी प्रोसेस है जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम स्टार्टिंग पॉइंट से पहले तो पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हेल्प कौन सी सेल्स, कौन से हार्मोन क्या बनाएगा, कितना बनाएगा, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट दिए हुए हैं। जैसे फीमेल में आपको लगता है कि जो पेनिस है ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, तो ऐसा नहीं है। ये ओनली एक सपोर्टिव ऑर्गन है जो स्पर्म को फीमेल की बॉडी में ट्रांसमिट होने में हेल्प करेगा, ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। पेनिस स्पर्म को नहीं बनाएगा। पेनिस जैसे फीमेल में वेजाइना है वैसे ही मेल में क्या है, पेनिस है। तो यहाँ पर यदि कंपैरिजन करके देखा जाए दोनों मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दोनों के अपने अलग अलग काम होते हैं। जैसे ओवरी एग को बनाती है, लेकिन जो एक तरीके से हमें कहें कि फर्टिलाइजेशन है जो मिलना है, या फिर मेल और फीमेल के जो गैमिट्स हैं वो मिल के कहाँ पर इम्प्लांट हो जाते हैं, यूट्रस में। वैसे ही मेल में यदि हम बात करें तो जो पूरा प्रोसेस है एक स्टेप बाय स्टेप होता है कि बनेगा कहाँ से, क्या हेल्प करेगा और कैसे होगा। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, तो पेनिस को तो आप एक सपोर्टिव ऑर्गन के तौर पे मान सकते हैं। जो फॉर्मेशन करेगा स्पर्म का, मतलब हम ये कहें कि जो मेल हैं, जो लड़के हैं, लड़के जैसी हरकतें क्यों करेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी कुछ हार्मोन्स बनाएगी जो हार्मोन्स कहलाते हैं टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन। मेन जो मेल हैं, मेल्स में जो लिबिडो आप ये कहते हैं कि सेक्स करने की जो इच्छा होगी वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होगी। मेल जो लड़के हैं लड़कों जैसी हरकतें करते हैं, किस लिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। तो यहाँ पर यही हार्मोन है, यही हार्मोन जब डिस्टर्ब होता है तो लड़के लड़कियों के जैसी हरकतें भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, आपको नाम बड़ा कन्फ्यूजिंग सा लग रहा होगा, लेकिन यही हार्मोन है जो लड़कों को लड़कों के जैसी हरकतें करवाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम पढ़ेंगे कि कौन सा पार्ट हार्मोन को बनाएगा, इसको कौन सा पार्ट है जो स्पर्म को बनाएगा, सीमेन में कितने स्पर्म रहेंगे, सब चीज़ें। तो जब आप सीमेन देखेंगे तो आपको डायरेक्ट है जो स्पर्म उसमें नहीं देखेगा, वो आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेगा क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। स्पर्म है जो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल्स में कंसिडर किए जाते हैं। यदि पूरी आपको पूछे ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल्स क्या है, तो वो थी ओवम, एग जो फीमेल की बॉडी रिलीज करेगी, जो ओवुलेशन में एक ओवा रिलीज होगा वो। लेकिन ह्यूमन बॉडी में यदि हम बात करें तो मेल की जो स्पर्म सेल है ये सबसे छोटी सेल होती है, इसीलिए इसको आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। यस, आप जब सीमेन, आपका डायरेक्ट स्पर्म की टेस्टिंग नहीं होगी, आपका सीमेन है जो कलेक्ट किया जाएगा किसके लिए, टेस्टिंग के लिए, कि इसमें आप इनफर्टाइल किस रीज़न से हैं, या फिर आपको क्या प्रॉब्लम है जो आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे, आपके पार्टनर को क्या दिक्कत है, तो ये सब चीज़ें आपके सीमेन से चेक की जाएंगी। तो यहाँ पर पहले हम मोस्ट ऑफ दी पार्ट पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। तो पेनिस में दो तरीके की ओपनिंग होती है, एक यहाँ पर पेनिस मेल में फीमेल में यूरेथ्रा अलग होता है, वेजाइनल ओपनिंग से यूरिन पास नहीं होती, लेकिन मेल में एक ही ऐसा ऑर्गन होता है जो यूरेथ्रा है जो नीचे की तरफ रहेगा, जो आपको बाहरी पार्ट दिखता है वो ग्लांस पेनिस कहलाता है, जो सीमेन्स को एजाकुलेट करता है सेक्स के टाइम पर, लेकिन इसी में साथ में यूरेथ्रा की भी ओपनिंग होती है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सबसे पहले पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है आपका स्क्रॉटम। पेनिस तो एक क्या है, आपका सपोर्टिव ऑर्गन है। सपोर्टिव ऑर्गन कहें हम तो आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, अराउजल के लिए, इरेक्शन के लिए ज़रूरी है, जो फीमेल की बॉडी में सीमेन को ट्रांसफ़र करने का काम करेगा जिससे स्पर्म जाएगा। सबसे मेन होता है स्क्रॉटम। ये आप जो यहाँ पे थैली देख रहे हैं ये कहलाती है स्क्रॉटम। स्क्रॉटम एक सैक होता है
जिसमें टेस्टिस रहते हैं। क्या रहते हैं? टेस्टिस रहेंगे। अब ये टेस्टिस, यही टेस्टिस जो दो टेस्टिस होते हैं पेयर में, कहें हम दोनों साइड एक एक होते हैं। कुछ बच्चों में आपने देखा होगा कि एक साल जनरली ये आप जब भी बच्चा यूट्रस में रहेगा, गर्भ में रहेगा, उसी टाइम पे बन जाता है ऑर्गन्स, स्क्रोटम, टेस्टिस सब। लेकिन कुछ केसेस में स्क्रोटम तो बाहर रहेगा, लेकिन इसके जो टेस्टिस हैं, जो बॉल शेप आपको दिख रही हैं, ये बाहर नहीं आ पाती हैं। तो डॉक्टर वेट करते हैं 1 ईयर 2 ईयर तक, तो ये अपने आप बाहर आ जाएंगे मसाज करके या फिर जो कुछ मेथड्स अपना के, डॉक्टर्स अपनाएंगे यहाँ पर जो मेथड, तो बाहर आ जाती। लेकिन जब नहीं आती हैं तो इनको सर्जरी के थ्रू स्क्रोटम में लाया जाता है। क्योंकि यदि टेस्टिस अंदर रही, एब्डोमिनल एरिया में रही, तो वहाँ के टेम्परेचर के कारण इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनने की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, जो कि कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन बॉडी के जो आउटर ही लेयर, बाहरी क्यों हमेशा स्क्रोटम में टेस्टिस रहती हैं, क्योंकि टेम्परेचर के कारण टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा इसलिए। तो यहाँ पर फिर दूसरा ऑर्गन आता है टेस्टिस। तो स्क्रोटम तो बाहरी एक जो थैली है वो हो गई, जिसमें आपके टेस्टिस रहेंगे। और टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जैसे फीमेल में ओवरी, वैसे मेल में टेस्टिस रहेंगे, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म को फॉर्म करने का, बनाने का काम करेंगे। अब इस टेस्टिस के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कुछ हार्मोन रिलीज करेंगे, कुछ सीमेन के थ्रू, क्या है सीमेन, आपका टेस्टिस में नहीं बनेगा, वो आपको आगे बताया जाएगा। जो स्पर्म को बनाएंगे वो होंगी टेस्टिस। टेस्टिस में होती हैं सेल्स, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर आता है एपिडिडिमाइडिस, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ओनली स्पर्म बनेगा, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहेंगी वो बनाएंगी यहाँ पर स्पर्म को। लेकिन यहाँ पर ये जब इनका मैच्योर हो गए, मैच्योर होने का मतलब अच्छे से बन के, जनरली जो 45 से 75 दिन तक का टाइम कभी कभी लग जाता है, तो ये होंगे एपिडिमाइडिस में, जो कि 4 से 5 मीटर लंबी रहेगी। ये देखिए यहाँ तक रहेगी पूरी। तो ये क्या, एपिडिमाइडिस, यहाँ पर स्पर्म का मैच्योरेशन होगा। क्या होगा? मैच्योरेशन होगा। फिर आता है वास्ट डिफरेंसेस, यहाँ पर ये देखिए। तो एपिडिमाइडिस तो ये ऑर्गन हो गया जहाँ पर टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने स्पर्म को बनाया, बनने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, उनका मैच्योरेशन हो गया एपिडिमाइडिस। लेकिन इनको ले जाने का काम करेगा और स्टोर करने का कौन करेगा, वो होगा वास्ट डिफरेंसेस, स्टोरेज एरिया फॉर स्पर्म फ्रॉम अ फ्यू आवर्स टू 42 डेज। तो जब ये एपिडिमाइडिस क्या कर देगी, जो स्पर्म मैच्योर हो गए हैं उनको स्टोर भी करना है, तो ये कहाँ पर होंगे, वास्ट डिफरेंसेस में। यहाँ पर ये क्या होंगे, वास्ट डिफरेंसेस में मैच्योर होके रहेंगे कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक, तब तक आप इजैकुलेशन नहीं करेंगे, जो बाहर नहीं निकालेंगे तब तक। अब यहाँ पर ये होता है सेमिनल वेसिकल, जो कि क्या करेंगे, सीमेन को रिलीज करने का काम करेंगे। डायरेक्ट स्पर्म तो इजैकुलेट नहीं होंगे, इसके लिए कुछ फ्लूड वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो सेमिनल वेसिकल है, ये एल्कलाइन म्यूकस रिलीज करती है, जिसमें फ्रक्टोज रहेगा, जो कि स्पर्म के लिए एक तरीके से खाने पीने की चीज़, जैसे आपकी बॉडी को चलने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही सेमिनल वेसिकल सीमेन को रिलीज करेगा, जो कि फ्रक्टोज रहेगा। इसमें जो फ्रक्टोज रहेगा वो स्पर्म को क्या देगा, एनर्जी देने का काम करेगा। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम में हेल्प भी करता है। तो यहाँ पर यही सेमिनल वेसिकल्स क्या करेगा, कुछ फ्लूड रिलीज करेगा, जो कि स्पर्म के लिए क्या देगा, एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स देने का काम करेगा। ये देखिए यहाँ पर, ये रहे पूरा जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, जो टेस्टिस के अंदर रहेंगी सेमिनल वेसिकल्स, वेसिकल्स के अंदर होंगे लोब्यूल्स छोटे छोटे, ये हो गए यहाँ पर। पूरा जो बाहरी एरिया हो गई लेयर क्या है, स्क्रोटम, क्या है स्क्रोटम, और ऊपर है स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो कि लटकाने का, जो स्क्रोटम आपका बाहर है उसको जो एक तरीके से सपोर्ट करने का काम करेगा, वो स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब इसमें रहती हैं क्या, टेस्टिस, कभी कभी एक सिंगल टेस्टिस रहती है, कभी कभी दोनों, लेकिन जो नॉर्मल मेल होते हैं उनमें दोनों रहेंगी। बच्चों में आपको लगता है कि मेरे बच्चे में दोनों, यस वो नॉर्मल है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में 30% तक केस में क्या होता है कि अंदर ही रह जाते हैं, तो उनको सर्जरी के थ्रू बाहर लाया जाता है। अब ये बनना कब से स्टार्ट होते हैं, तो आपने एक एडोलेसेंट पीरियड पढ़ा है, जो लड़कों में 12 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है। तो इसी एज में, 12 से 14 साल की उम्र में
टेस्टिस स्पर्म को बनाने का काम करना स्टार्ट कर देती है। स्पर्म को बनाने का काम स्टार्ट करेगी तो टेस्टिस स्पर्म को बनाएगी। बस अब टेस्टिस के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स होंगी, कुछ लोब्यूल्स होंगे, कुछ ट्यूब्स होंगे, छोटे छोटे, देखिए यहाँ पर लोब्यूल्स दिख रहे हैं। इसमें बनेगा स्पर्म, क्या होगा, बनेगा, लेकिन इसकी कुछ सेल्स हैं जो हार्मोन को रिलीज़ करेंगी, जो इसको और अच्छे से बनाने में हेल्प करेंगी, तो वो कहलाती हैं लीडिंग सेल्स। कौन सी सेल? लीडिंग सेल्स कहलाएंगी, जो कि और अच्छे से हार्मोन, लीडिंग सेल्स हार्मोन रिलीज करेंगी। सेमिनल वेसिकल्स और जो लोब्यूल्स हैं, यहाँ पर जो स्पर्म बनेगा, ये बनने के बाद जो एपिडेमाइडस है यहाँ पर चला जाएगा, क्लियर। यहाँ पे स्पर्म जाके मैच्योर होने का, परिपक्व होने का काम अपना करेगा। फिर यहाँ पर जो वास्ट डिफरेंसेस है, यहाँ पर मैच्योर जो स्पर्म है वो आके क्या रहेगा, रहेगा कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक, 42 दिनों तक रहेगा, जब तक इजैकुलेटरी प्रोसेस नहीं हो जाती। अब यहाँ पर होती है इजैकुलेटरी डक्ट, तो यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जा रहे हैं। अब आती है इजैकुलेटरी डक्ट, तो वास डिफरेंसेस एरिया है, जो एरिया वेयर वास डिफरेंसेस एंड सेमिनल वेसिकल्स एम्प्टी ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। तो इजैकुलेटरी डक्ट में ये सेमिनल वेसिकल्स है, अभी मैंने बताया कि जो फ्लूड को रिलीज करेगी, और ये वास डिफरेंसेस है जहाँ पर जो स्पर्म स्टोरेज रहे दोनों मिक्स होकर कहाँ पर आएंगे, इजैकुलेटरी डक्ट में। यही इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेशन होगा जब सेक्स किया जाएगा, तो जो पूरा सीमेन निकलेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, सर्विक्स में, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तो जो इजैकुलेटरी डक्ट है यही डक्ट क्या करेगी, इजैकुलेशन का काम करेगी, मतलब पूरा सीमेन में जो स्पर्म मिक्स होके गए हैं वो फीमेल में इंसर्ट किए जाएंगे, तो इजैकुलेटरी डक्ट का ये काम हो गया। फिर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पर देखिए मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती हैं, उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती हैं, तो ये क्या काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इजैकुलेशन टू एम्प्टी सीक्रेशन टू द मिक्स हाईली अल्कलाइन म्यूकस एंड सीक्रेशन। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक तरीके से सपोर्टिव ऑर्गन है। वेयर द इजैकुलेटरी डक्ट पास थ्रू एंड मीट द यूरेथ्रा, तो यहाँ पर जब इजैकुलेटरी डक्ट क्या करेगी, यूरेथ्रा के यहाँ से पास होगी, तो यूरिन को स्टॉप कर दिया जाता है यहाँ पर, ताकि जो सीमेन है वो बाहर निकल सके, जो प्रोस्टेट ग्लैंड का एक काम होगा। फिर यहाँ पर सपोर्टिव ऑर्गन के तौर पे आती हैं कॉपर्स ग्लैंड, फीमेल में होती हैं वर्थोलिन ग्लैंड और मेल में होती हैं कॉपर्स ग्लैंड। सीक्रेट्स अ विस्किड एल्कलाइन सीक्रेशन दैट क्लीन्स यूरेथ्रा एंड लुब्रिकेट द पेनिस, तो पेनिस में लुब्रिकेशन कहाँ से मिलेगा, जैसे फीमेल में वर्थोलिन ग्लैंड वेजाइना के ऊपर होती हैं, म्यूकस रिलीज करती हैं, इसीलिए वेजाइना क्या रहती है, जो एक तरीके से हम ये कहेंगे कि वहाँ पर कुछ सीक्रेशन के कारण ड्राइनेस नहीं रहती, वैसे ही मेल पेनिस के यहाँ पर, सॉरी मेल में जो बर्थो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हम कह सकते हैं इसको, या फिर कॉपर्स ग्लैंड कह सकते हैं, जो कि विस्किड एल्कलाइन सीक्रेशन रिलीज करेंगी, जो कि आपके यूरेथ्रा को, जो इनर पाला यूरेथ्रल ऑर्गन है इसको, और जो पेनिस है उसको लुब्रिकेट करने का काम करेंगी। और जो यूरेथ्रा है कॉमन ट्यूब है, जो कि ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों में कनेक्ट रहेगी, लेकिन ये इजैकुलेशन के टाइम पर क्या है, इजैकुलेशन के टाइम पर यहाँ पर क्या रहेगा, ये स्टॉप हो जाएगी ताकि यूरिन पास ना हो पाए। अब आता है पेनिस, पेनिस को हमने लास्ट में इसलिए पढ़ा क्योंकि एक सपोर्टिव ऑर्गन है, जो कि ऑर्गन ऑफ इजैकुलेट ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो यहाँ पर साफ्ट ऑफ द पेनिस इज कम्पोज ऑफ टू टाइप, एक होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू जो कि कॉर्पस कैबिनोसा कहलाएंगे, दूसरे होते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो कॉर्पस के जो इरेक्टाइल टिश्यू हैं, जब मेल में लेविडो होगा इंटरकोर्स करने का, जो सेक्सुअल अराउजल होगा उस टाइम पर इरेक्ट होगा, इसके लिए हम क्या कहेंगे, इरेक्ट पेनिस। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है ग्लांस पेनिस, जो कि डिस्टल एंड कहलाएगा, जो कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, लास्ट वाला जो पार्ट का है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो कि क्या कहलाएगा, ग्लांस पेनिस। फिर यहाँ पर सीमेन कहाँ से आया, तो हमने जो स्टेप बाय स्टेप पढ़े कि सीमेन कहाँ से आया, तो फ्लूड इजैकुलेटेड ड्यूरिंग द मेल सेक्सुअल एक्ट, जिसमें 120 मिलियन स्पर्म पर ml में रहेंगे, हम कहें तो 300 मिलियन स्पर्म हैं जो बनते हैं, कितने दिन में, एक दिन में एक मेल 300 मिलियन स्पर्म तक बनाता है, लेकिन
जो इंटरकोर्स के टाइम पर पेनिट्रेशन का काम एक ही कर पाता है, उसके रीजंस भी हैं, वो आपको आगे बताए जाएंगे। इट इज़ अ मिल्की वाइट विस्कस फ्लूड दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्पर्म एंड द सीक्रेशन फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सेमिनल वेसिकल्स हैं क्या हैं, ये सेमिनल वेसिकल्स हैं जो फ्रक्टोज वाला कंटेनिंग एल्कलाइन नेचर का फ्लूड रिलीज करेंगे, जो कि सीमेन को ताकत देने का काम करेगा, एनर्जी देने का काम करेगा, तो वही सीमेन है। अब यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सभी ने मिलके सीमेन को बनाया। अब यहाँ पर इस पीएच, इसका पीएच होता है, सीमेन के पीएच वैल्यू होती है 7.35। जो वेजाइना का भी जो पीएच वैल्यू कितनी होती है, जनरली 3 एंड 5, जो कि अल्कलाइन नेचर की होती है। अब जब पीएच वैल्यू आपकी एसिडिक नेचर की होगी तभी आप एल्कलाइन नेचर को क्रॉस करके अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर स्पर्म की जब पीएच वैल्यू 6 to 6.5 तक रहेगी तभी सबसे ज़्यादा मोबाइल होंगे। मोबाइल का मतलब है स्पर्म की टेल होती है, क्या होगी, टेल होगी, जो कि चलने में हेल्प करेगी। सो सीमेन इन स्पर्म विथ फूड एसिड न्यूट्रलाइज न्यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पर आपका जब सीमेन रहेगा तभी आपका स्पर्म क्या रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा तभी वो ओवा को फर्टिलाइज कर पाएगा। ये रही छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स, तो मैंने आपको बताया कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहेंगी जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और एपिडिमाइडिस में यहाँ पर मैचुरेशन होगा। यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत सारी रहेंगी, गुच्छों में रहेंगी, इसीलिए इनको ट्यूब्यूल्स कहा गया है, क्या है, गुच्छों में रहेंगी। और इन गुच्छों के अंदर भी कुछ सेल्स होती हैं, इन गुच्छों के अंदर क्या होंगी, सेल्स होती हैं। ये सेल्स क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ पर इन गुच्छों के अंदर जो ट्यूब्यूल्स हो गए इनके अंदर होती हैं सर्टोली सेल्स, लीडिंग सेल्स। तो ये सभी सेल्स क्या करती हैं, कुछ जो सर्टोली सेल्स लीडिंग सेल्स हैं ये आपका एक तरीके से हमें कहेंगे कि हार्मोन है, जो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन कौन बनाती हैं, लीडिंग सेल्स। जर्म सेल्स आर फेड बाय द सर्टोली सेल्स। तो जर्म सेल्स ही तो इम्पॉर्टेंट होती हैं जो कि सर्टोली सेल्स के लिए इनिशिएट करेंगी। और यही सेल्स एक तरीके से हम क्या कहेंगे कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो सर्टोली सेल्स क्या बनाती हैं, स्पर्म को बनाएंगी। और जो लीडिंग सेल्स है जर्म सेल्स है ये क्या करेंगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेंगी। तो यहाँ पर फिर आपका आता है कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस का क्या काम है, टेस्टिस आपने पढ़ लिया कि टेस्टिस में आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। अब जो पूरा स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो पूरी प्रोसेस कहलाती है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस और मैच्योर स्पर्म सेल, स्पर्मेटोजेनेसिस तो पूरी प्रोसेस हो गई, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म सेल्स की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होती है। तो यहाँ पर आप ये देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे सीमेन में मिक्स होके स्पर्म जाएगा इजैकुलेशन के टाइम पर। टेस्टिकल्स जो कि स्क्रोटम के अंदर है, स्क्रोटम बाहरी जो पाउच है वो हो गया, इसमें टेस्टिकल्स हैं। टेस्टिकल्स में आपके टेस्टिस में क्या बने, स्पर्म बने, बन के एपिडेमाइडिस में मैच्योर होने के लिए चले गए। अब इसमें मैच्योरेशन होने के बाद ये कहाँ पे गए, वास डिफरेंसेस में, वास डिफरेंसेस में स्टोर हो जाएंगे। अब वास डिफरेंसेस में स्टोर होने के बाद सेमिनल वेसिकल्स फ्लूड रिलीज करेगी जो कि इन स्पर्म को एक एनर्जी देगी। एनर्जी लेने के बाद स्पर्म कहाँ से जाएंगे, इजैकुलेटरी डक्ट, ये हो गई पूरी इजैकुलेटरी डक्ट। इस इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू स्पर्म कहाँ पे जाएंगे, यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा के यहाँ पर ही दो ओपनिंग होती है, एक होती है ब्लैडर वाली, तो स्टॉप कर दी जाती है। तो यहाँ पर इसी के थ्रू क्या होंगे, स्पर्म इजैकुलेशन के टाइम पे बाहर आएंगे। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि क्या मेल रिस्पॉन्सिबल है कि फीमेल है, लड़का होता है लड़की होती है। तो हमेशा जो बॉयस होते हैं, और यहाँ पर हमें कहेंगे कि जो स्पर्मेटोगोनियम की प्रोसेस है यही प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ से आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, स्पर्मेटोगोनियम जो कि एक सेल्स है, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पर मियोसिस माइटोसिस की जो पूरी प्रोसेस चलेगी उसके कारण ये बनेंगे। तो यहाँ पर एक सेल्स से दो बनी, अब यहाँ पर इन दो सेल्स में डिवाइडेशन होगा,
देखिए यहाँ पर, तो एक है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो यहाँ पर कुछ इमेच्योर स्पर्म बनेंगे जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे, कुछ जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है सेकेंडरी प्राइमरी में ओनली सिंगल हो गई। अब यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम में एक्स वाई रहेगा, जो क्रोमोसोम है मेल में क्रोमोसोम हमेशा एक्स वाई होता है। अब जो मैच्योर स्पर्म है, मैच्योर स्पर्म सेल है, यदि ये जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पर बाई क्रोमोसोम को लेके गई तो फीमेल में ऑलरेडी क्या होता है XX रहेगा, मेल का भी यदि XX चला गया तो बेटी हो जाती है, लेकिन मेल का XY चला गया फीमेल का X रहा तब लड़के होने के चांसेस रहेंगे, XY है मतलब। तो यहाँ पर ये आपने क्या पढ़ा, पूरा स्पर्म बना कैसे, अब इस स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। टू फर्टिलाइज एन एग, स्पर्म मस्ट बी मूव्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन द टेस्टिस। हमने पढ़ा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने बनाया और इनके थ्रू मूव होगा एपिडेमाइडिस में। एपिडेमाइडिस क्या करेगा, जो वास डिफरेंसेस है, वास डिफरेंस के यहाँ पर सेमिनिफेरस, सॉरी जो यहाँ पर सेमिनस वेसिकल्स हैं, ये फ्लूड रिलीज करेंगे जो सीमेन में मिक्स होकर स्पर्म क्या होंगे एजाकुलेशन के टाइम पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भेजे जाएंगे। तो यहाँ पर एक और इमेज देखिए जिससे आपको स्पर्म का पाथवे पता चलेगा कि ये कैसे जाएंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने बनाए टेस्टिस की, फिर यहाँ पर इस तरीके से एपिडेमाइडिस, वास डिफरेंसेस से होते हुए इजाकुलेटरी डक्ट से सीधा बाहर, क्लियर। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस में भी कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे हार्ट की लेयर होती है वैसे टेस्टिस भी कवरिंग लेयर से बनी हुई होती है। सबसे ऊपरी लेयर होती है पेराइटल, मेन तीन लेयर होती हैं, तो यहाँ पर जो सबसे ऊपरी लेयर है प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो कहलाती है ट्यूनिका, क्या है ट्यूनिका। फिर यहाँ पर आती है आफ्टर दैट ट्यूनिका वेजाइनेलिस, क्या है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। उसके बाद आती है वाइट कलर की लेयर जो कहलाती है ट्यूनिका एल्विजेनिया। लास्ट होती है सबसे इनरमोस्ट ट्यूनिका वेस्कुलेसा, इसी ट्यूनिका वेस्कुलेसा के बाद है जो सेमिनल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या बनाएंगी स्पर्म को बनाने का काम करेंगी। यदि हम बात करें आफ्टर द एजाकुलेशन के, ये यहाँ पर रहा आपका स्पर्म, आफ्टर एजाकुलेशन के बाद एक स्पर्म कितने घंटों तक जिंदा रह सकता है फीमेल की बॉडी में, तो ये रह सकता है 48 घंटों तक, कितना 48 आवर तक। और जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब यहाँ पर स्पर्म के जो पार्ट होते हैं, हेड हो गया, ये वाला जो बीच का हिस्सा है नेक हो गया, और ये हो गई पूरी टेल, और इस टेल के यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आपके स्पर्म को एक एनर्जी देगा कि जाओ भाई पेनेट्रेशन करो। तो यहाँ पर जो मैच्योर और अच्छे स्पर्म होंगे वही पेनेट्रेशन का काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर इसमें एक एंजाइम हेल्प करता है, क्योंकि जो ओवा है वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नॉर्मल है, वो भी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल है, तो उसको पेनिट्रेट करना भी इतना आसान काम नहीं होगा। अब कुछ ना कुछ हेल्प करने के लिए भी चाहिए इस स्पर्म को, तो होगा हाइलोरिनिडेज एंजाइम, क्या है हाइलोरिनिडेज एंजाइम, जो स्पर्म की, जो स्पर्म के हेड पर रहेगा, इसी में न्यूक्लियस भी रहेगा, इसी हेड के अंदर न्यूक्लियस होगा, जो टिप पार्ट है कहलाता है एक्रोसोम, क्या है एक्रोसोम, ये पेनिट्रेट करने का काम करेगा, और इस एक्रोसोम की टिप पर हाइलोरिनिडेज एंजाइम होगा जो कि पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो नेक के यहाँ से पूरा पार्ट अलग हो जाता है, ओनली हेड बस है जो पेनिट्रेशन कर पाएगा। यहाँ पे आपको एक हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो प्रोसेस होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, फिर ये जो टेल है ये सब क्या रहेगी छूट जाएगी, नेक के यहाँ से हिस्सा अलग हो जाएगा, जो एक्रोसोम वाला पार्ट है पेनिट्रेशन में हेल्प करेगा, बाकी जो पूरा पार्ट है वो क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि अब जो हेड अलग हो गया तो ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी है, स्पर्म पूरा मोटाइल होता है इसी टेल के कारण, इसलिए ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ लिया कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे एजाकुलेशन होगा। तो एक दिन में एटलीस्ट एक मेल जब बनना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो पर डे की यदि हम बात करें तो 300 मिलियन, क्या है 300 मिलियन तक स्पर्म बनते हैं एक दिन में,
एक दिन में कितना बनेंगे? 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं और ये फीमेल की बॉडी में जाके 48 आवर्स तक लाइव रह सकते हैं, कितना 48 घंटों तक ये जिंदा रह सकते हैं। अब यहाँ पर जो पूरा स्टेप बाय स्टेप स्पर्म का जो पूरी प्रोसेस हमने पढ़ी, आपको एग्ज़ाम पर्पज़ के अलावा नॉर्मल भी हेल्पफुल है। तो यहाँ पर आपका जो हमने क्या पढ़ा, मेनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेन काम यही है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। अब जब फर्टिलिटीज और इनफर्टिलिटी वाले जो केसेस होते हैं कि आप बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कि माँ में सभी चीज़ें क्या हैं, अच्छी हैं, लेकिन फादर के स्पर्म या तो कमज़ोर हो सकते हैं या फिर स्पर्म की जो काउंटिंग है वो बहुत कम है। ऐसा नहीं कि 300 मिलियन स्पर्म बने लेकिन आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे, तो इसका रीज़न ये है, यस 300 मिलियन स्पर्म बन गए लेकिन उन स्पर्म में इतनी ताकत है क्या कि वो ओवा को पेनिट्रेट करके प्रेगनेंसी कंसीव करवा सकते हैं, ये सभी चीज़ें। तो आई होप आपको पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन हमने पढ़ा है आज स्पर्म पूरा क्लियर हो गया हो। कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं।